आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन ने आज प्रशासन अकादमी भोपाल में लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में आयोजित मीडिया कार्यशाला का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। श्री राजन ने कहा कि हमारी मीडिया के साथियों को लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं के बारे में सुव्यवस्थित जानकारी देने के उद्देश्य से प्रशासन अकादमी में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अलीराजपुर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर ने नोडल अधिकारियों की बैठक में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न करवाने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छिंदवाड़ा जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री दुष्मानता कुमार बहेरा और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शीलेंद्र सिंह ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स के प्रथम प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण कर निर्वाचन संबंधी बारीकियां भी सिखाई। सीहोर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार ने गोटे गांव विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 131 एवं 132 का निरीक्षण कर मतदाताओं की जानकारी ली एवं ग्राम कुंडा एवं तरवारा में बनाए गए SST चेक पोस्ट का अवलोकन भी किया। छिंदवाड़ा जिले में नगर परिषद चांद में तहसीलदार श्री इंद्रसेन तुमराली, CMO श्री राधे श्याम चौधरी ने लोकतंत्र मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खरगोन जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने महेश्वर एवं बड़वाहा विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर ऑफिसर एवं सेक्टर पुलिस ऑफिसर की बैठक में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उमरिया जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक शांतनु पी गोतमारे एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धरणेंद्र कुमार जैन ने कलेक्टर सभागार में मतदान दलों का द्वितीय रेंडमाइजेशन एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का रेंडमाइजेशन संपन्न किया गया।